नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और सबसे पहले मैं कल के जीते हुए विनर्स को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने भी कल बिड लगाई और बहुत सारे पैसे जीते। आप सबसे भी आशा करता हूँ कि रोज़ाना अपनी तकदीर को आजमाएं, बिड लगाएं और बहुत सारे पैसे बनाएं। एप्लीकेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है, रोज़ बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं लोगों की साइट से, तो आप लोग भी बिड लगाना स्टार्ट करें और बहुत सारे पैसे अर्न करें। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं इस वीडियो में आप सबको बताऊंगा कि मनी ट्रांसफ़र की सर्विस को कैसे यूज़ करना है। तो जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को लॉगिन करते हो तो इस इंटरफेस पे आने के बाद देखिए यहाँ पे एक स्क्रोल का ऑप्शन है आपके पास। आपने कुछ नहीं करना है, इस स्क्रोल के ऑप्शन को यूज़ करना है, मनी ट्रांसफ़र पर क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली ये मनी ट्रांसफ़र की जो सर्विस है ये आपको वेब पर लेके जाएगी। यहाँ पर आपको वेब पर जाना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो ऑटोमेटिकली ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड इंसर्ट करना है, जो भी आपने सेट किया हो। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा ऐसा पासवर्ड याद रखिए जो आप लोगों ने इजीली सेट, जो आप इजीली रिमेम्बर कर पाएँ। जैसे ही आप अपना पासवर्ड डालोगे आपसे एक OTP मांगेगा। आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अपना OTP इंसर्ट करना है जो भी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया होगा। सबमिट कर देंगे आप। सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, मेरे पास अभी जो मनी ट्रांसफ़र की लिमिट बची हुई है वो है 25,000 रुपये, मेरे पास में जो बैलेंस है वो 70 रुपये है और मैंने ऑलरेडी अपनी बेनिफिशियरी यहाँ पे एक ऐड कर रखी है। जैसे कि मैं आपको हर अपनी वीडियो में बताता हूँ कि मेरा ये डेमो आईडी है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बेनिफिशियरी डिटेल्स ऐड कर रखी हैं। अगर आपने पहली बार इस चीज़ को यूज़ कर रहे हो तो आपने ऐड बेनिफिशियरी के बटन को क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखो बैंक का नाम आ रहा होगा, यहाँ पर अपनी बैंक की डिटेल्स आप डाल देना, अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा, IFSC कोड डाल के वेरीफाई कर लीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, अपना नाम डाल के सबमिट कर देंगे तो आपकी बेनिफिशियरी डिटेल्स ऐड हो जाएंगी। ओके, उसके बाद अपने वापस आना है, दोबारा से सबमिट करना है। ये OTP का जो दोबारा से ऑप्शन मेरे पास आया है, शायद मैं बाहर आ गया था एप्लीकेशन से, इस वजह से आया है। आपने बार बार चीज़ नहीं करनी है। आपने जैसे मुझे दोबारा से OTP इंसर्ट करना पड़ रहा है, आपको दोबारा से OTP इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप सीधे बैक आ सकते हो। अब देखिए मुझे कुछ नहीं करना है, मैं स्क्रॉल करके यहाँ एक्शन पे आऊँगा, इस ग्रीन बटन को क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे जैसे मेरे पास जो वॉलेट का बैलेंस है मैं उसे डाल के सबमिट कर दूँगा, फिर सबमिट कर दूँगा। अब यहाँ पे एक ये एरर दिखा रहा है, ये एरर इस वजह से आ रही है, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि मनी ट्रांसफ़र की सर्विस को यूज़ करने के लिए मिनिमम बैलेंस आपके वॉलेट के अंदर 100 रुपीज़ होना चाहिए। अभी मेरे पास में वॉलेट में यहाँ पे 70 रुपीज़ है, इस वजह से मनी ट्रांसफ़र की सर्विस में यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे ही मेरे पास में 100 रुपीज़ हो जाएगा तो मैं इस अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। आपके पास में अगर 100 रुपये से कम का बैलेंस है तो आप उसे रिचार्ज कर सकते हैं। कभी भी आपको मनी ट्रांसफ़र की अगर सर्विस यूज़ करनी है तो मिनिमम बैलेंस 100 रुपीज़ उसका रिक्वायरमेंट है, उससे कम का बैलेंस आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभकारी रहेगी। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो हमारे तक पहुँचा सकते हैं। धन्यवाद।